हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण, मैं अपने चैनल मम्मी का ढाबा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ चिली चिकन का रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चिली चिकन बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए तो वो तो देखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिए, उसे अच्छी तरह धो लिए। एक चम्मच हम यहाँ मैदा लिए, 3 चम्मच हम कॉर्नफ्लावर, 4 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 शिमला मिर्च को हम क्यू शेप में काट लिए, 2 बड़े प्याज लेकर के उसे भी हम क्यू शेप में काटें, ये अंडा है 1 अंडा, ये वेनेगर 1 चम्मच, ग्रीन चिली, ये नमक, ये 1/2 चम्मच जिंजर और 1/2 चम्मच गार्लिक पेस्ट, 3 चम्मच ये सोया सॉस है। सबसे पहले तो चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ चिकन में सबसे पहले गार्लिक जिंजर पेस्ट जो हम लिए थे उसको डाल देंगे। फ्रेंड्स, हम एक चीज़ यहाँ बताना भूल गए कि यहाँ पर आप 1-1 चम्मच गार्लिक और जिंजर पेस्ट लीजिएगा, जो 1/2 चम्मच इसमें डालिएगा और 1/2 चम्मच आप ग्रेवी के लिए रख लीजिएगा। हम इसमें नमक डालें, नमक स्वाद अनुसार ही डालें। अब हम 400 ग्राम चिकन के अनुसार ही नमक डाले हैं। यहाँ पर 1 चम्मच हम मैदा लेंगे। मैदा भी आप अगर ज़्यादा चिकन है तो आप अगर 800 ग्राम है तो उसे 2 चम्मच डालेंगे यहाँ पर। और हम यहाँ पर 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे। मैदा सिर्फ ऊपर में क्रिस्पी बनाने के लिए ही डाला जाता है, और कॉर्नफ्लावर डालेंगे ऊपर से अच्छा कोटिंग हो और चिकन सॉफ्ट बने। यहाँ पर हम वेनेगर डालेंगे। वेनेगर बहुत ही ज़रूरी है, इसे स्किप मत कीजिएगा मैरिनेशन के समय। तो 1/2 चम्मच हम वेनेगर लेंगे। और ये लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे अंडा, और अंडा डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 1 घंटा के लिए रेस्ट पर रखेंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे 1/2 घंटा बाद कम से कम टाइम ज़रूर दें, उसके बाद ही फ्राई करें तो बहुत क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कढ़ाई मेरा गर्म था, उसमें तेल डाले, तेल भी गर्म हो चुका है। तो अब हम 1-1 पीस डाल के उसे फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से हम गोल्डन ब्राउन जरूर करेंगे इसे। तो फ्रेंड्स, इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। हम जब मार्केट का चिली चिकन खाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, ऊपर से क्रिस्पी रहता है। उसका यही कारण है कि वो 2 बार फ्राई किया हुआ रहता है, लेकिन हम यहाँ पर 1 ही बार फ्राई करेंगे, लेकिन धीमी आंच पे ही करेंगे, जो अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए, अंदर से पक भी जाए और ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाए। तो हम यहाँ पर धीमी आंच पे ही बना रहे हैं इसे। देखिए, आपको धीरे धीरे दिख रहा होगा कि कलर भी आ रहा है इसका। तो आप इसे धीमी आंच पर ही बनाएं। और फ्रेंड्स, इसे एक बार आप घर में ज़रूर ट्राई करें। आपको लगेगा कि हम मार्केट का ही खा रहे हैं और घर का बना हुआ है, तो आप समझ सकती हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसमें हेल्दी भी होगा। तो देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया, ऊपर से दिख रहा होगा कि क्रिस्पी भी हो रहा है। तो हम इसी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करके इसे हम अब निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं यहाँ पर। अब हम इसके ग्रेवी तैयारी करेंगे, जो सॉस जिसे बोलते हैं उसका हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिए। हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें 1 कटोरी पानी लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे बैठ जाता है। तो आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। यहाँ पर नॉर्मल पानी ले, बिल्कुल गर्म पानी यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पर। अब उसके बाद बाकी इसमें हम यहाँ पर टोमेटो सॉस जो हम 4 चम्मच लिए हुए हैं वो डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चिली सॉस का यूज नहीं कर रहे हैं। आपको अगर चिली सॉस डालना है तो आप इसी समय चिली सॉस भी 4 चम्मच डाल दें। हम यहाँ पर चिली सॉस के जगह पर गोल मिर्च पाउडर डालेंगे, और इसके बाद हम बाकी जो सोया सॉस भी हम इसी में अभी डाल देंगे। तो देखिए, सोया सॉस हम 3 चम्मच सोया सॉस लिए, उसे भी इसमें डाल के फिर इसको मिक्स कर देंगे। आपको जो भी लिक्विड यहाँ पर डालना होगा, चिली सॉस, टमाटर सॉस, वेनेगर, सब इसी में डाल के यहाँ पर हम मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, नीचे बैठ ना पाए कॉर्नफ्लावर। और मिक्स करने के बाद हम इसमें अब यहाँ पर देखिए, ये हम 1 चम्मच गोल मिर्च पाउडर लिए। यहाँ पर हम 1 चम्मच गोल मिर्च पाउडर लिए और उसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। अगर गोल मिर्च पाउडर हम यूज़ यहाँ पर नहीं आपको पसंद है करना, तो आप यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाल के और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद हम अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा कढ़ाई पहले से गर्म है, तो हम इसमें ग्रीन चिली को हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे, हल्का सा जो इसमें क्रिस्पी थोड़ा सा हो जाइए, बस उतना ही पकाना है। और जब ये देखिए हल्का कलर चेंज हो गया, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच इसमें डाल दिए और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पर भूनेंगे, थोड़ा अच्छी तरह से इसे पकाएंगे।
तो यहाँ पर अदरक लहसुन जो है बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसमें यहाँ पर प्याज, जो दो प्याज हम क्यू शेप में काट के रखे थे, उसे डाल देते हैं और उसे भी यहाँ पर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ये शिमला मिर्च डाल देंगे। मेरे पास हरा शिमला मिर्च था तो हरा शिमला मिर्च लिए। आपके पास अगर और भी कोई कलर है तो उसे भी यहाँ पर आप डाल के यहाँ पर अच्छी तरह से जला लें। दूसरा कलर भी डालने से बहुत अच्छा कलर अभी आएगा, देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा, तो आप ज़रूर उसे डालें। और इसे थोड़ा देर ही सॉफ्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर इसे पका लेते हैं। देखिए कलर आ चुका है फ्रेंड्स। आप इसे उम्मीद है जब ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये। अब देखिए ये हम इसमें सॉस डाल दिए, जो सॉस हम बना के रखे थे, तो हम ऑलरेडी इसमें सब कुछ तो डाले हुए हैं ही, तो इसे हम उबाल आने तक पका लेते हैं। अब हम इसमें हाफ चम्मच यहाँ पर विनेगर डाल देंगे। देखिए हम विनेगर डाल दिए, देखिए इतना अच्छा कलर भी आ चुका है, आपको दिख रहा होगा एकदम मार्केट जैसा ही कलर ये आ गया है फ्रेंड्स। अब इसमें हम एक चम्मच नमक डाल देते हैं, नमक स्वाद अनुसार ही ले, और हाफ चम्मच हम यहाँ पर चीनी लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ये सबको। देखिए ये अब गाढ़ा भी हो चुका है, थोड़ा पक भी चुका है अच्छी तरह से। तो अब इसमें हम चिकन डाल लेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए आपको लग रहा है ना, मार्केट से थोड़ा भी कलर कम नहीं है, बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड्स। इसे आप ज़रूर घर में ट्राई करें, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखिए आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने मनपसंद पराठा नान के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। और अगर पसंद आए मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।